और नन्हे गधे को सीरियसली बोल देना कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने तो अभी तक घर खाली ही नहीं करवाया। वो घर का किराया जमा करा दिया ना, वो तो खुद ही यहीं आ रहे हैं अपना बोरिया बिस्तर लेके। ये है सपनों का घर, यानी कि यही है जीजा जी, यही है सपनों का घर, अपना घर। यादें तो उन्हें अपने इस घर की भी होंगी ना, लेकिन फिर भी हमसे घर खाली करने के बजाय वो किराए के मकान पे चले गए। फिर तो हमें अपने मोहल्ले में उनका स्वागत जैसा कुछ करना चाहिए ना दादी माँ। आपके पुत्र और पुत्र वधू नहीं आए? बेटा और बहू। सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई। वो प्रोफेसर साहब, वो एल शेप की सीढ़ियां है ना? हाँ। नन्हे जी, जी, जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका घर हमारे घर जैसा है? घर तो घर जैसा ही होता है। अब बंद कर लो। जी 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 नहीं। क्या हुआ, गला जैसे कुछ सूख रहा है? क्या कहते हैं इसे, स्वागत पे पियोगे? मेरी दादी को जानते हो? वो डाकू थी और मैं उनसे एक कदम आगे हूँ। लड़ाकू हूँ मैं, और तुम तो सबसे आगे निकले, तो पढ़ाकू होगी नहीं? जी नहीं। तो क्या दीमा को ये इतनी सारी किताबें तुमने खाने के लिए रखी है क्या? गोल्ड मेडल? हाँ। ये मेरा है। अच्छा, कितने का पड़ा? खरीदा नहीं है, 12th में पूरे यूपी में टॉप आया था इसलिए मिला था। सॉलिड हाँ। तो इस बार मुझे टॉप कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं ट्यूशन्स नहीं पढ़ा था। पढ़ने पढ़ाने की कौन बात कर रहा है, कुछ दिनों बाद ना ये क्या एग्जाम जैसा कुछ होने वाला है, तो बस तुम सेंटर पर आ जाना, वहां पर आके तुम मेरे सवालों के जवाब में मेरी मदद कर देना। पर हाँ, उसके लिए तुम्हें दीवार पे चढ़ना पड़ेगा। दीवार पे? नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ना प्रैक्टिस जैसे करवा देती हूँ, चलो बालकनी में। मैं नहीं आ सकता, ये मेरी पढ़ाई का टाइम है, मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा। मैंने कहा ना तुम्हें, चलो चलो। देखो ऐसे नहीं, ऐसे देखिए ना, बच्चे आपस में कितनी जल्दी घुल मिल गए। अरे हाँ, ये एक खास रेसिपी, करेले के कबाब मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में करेले पे बेल लगा दूँ। भंवर सिंह, ये लो। कई साल पहले हमने आपके पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपनी कैद में रखा था, तब मैंने उन्हें यही करेले के कबाब खिलाए थे। भंवर सिंह, देखिए मैं पहले ही कह देता हूं, मुझे सीरियसली लेना, मैं करेला नहीं खाता।
अरे वाह, एसपी साहब जी ने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा था जब भंवर सिंह ने कबाब की प्लेट ऐसे उनके आगे बढ़ाई थी। लेकिन मैं नहीं मानी, आपको भी ये खाने पड़े। मैंने एक बार बोल दिया मैं करेले नहीं खाता। आपको खाना होगा। अरे एक बार बोल दिया ना तो ना। अरे एक बार चक्कर तो देखिए ना, आपको अच्छे लगेंगे। अरे ना याने ना। हाँ ना। हाँ ना। हाँ प्रोफेसर साहब, ना याने ना। ये मजार कि तू बचरी देवी को ना करे। हाँ हा? चंबल के बीहड़ में लकड़बग्गे को करेला खिला खिला के वेजिटेरियन बनाया दिया था, और तू मुझे मना करेगा? ले तेरे अच्छे भी खाएंगे, खा करेला। देखिए प्रोफेसर साहब, जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका दिल है तो आप खाइए, वरना रहने दीजिए। नहीं, खाता हूँ मैं करेला तो खाता हूँ। पिताजी भी कहा करते थे कड़ू चीज सेहत के लिए अच्छी होती है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था प्रोफेसर साहब कि ये कबाब आपको पसंद आएंगे। चलिए अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। ये शक्ति कहाँ चली गई? समझ गए तुम? अब एग्जाम सेंटर पे ना ऐसे ही लटक के तुम झांकोगे अंदर तो मैं दिखूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो, चलो झांको अंदर। अरे मेरा हाथ छूट जाएगा। मैं हाथों में जान लेकर आओ, मार दो ना तुम। नहीं, हाँ हाँ हूँ। हो तो झांको फिर, प्रैक्टिस करो ना। शक्ति बेटा, मैं नीचे हूँ। आपकी पोती ऊपर के कमरे से निम्न माले पर कैसे पहुंच गई? नीचे कैसे पहुंच गई? हमारी शक्ति ऐसी उछल कूद करती रहती है, जाती है सोनी मोनी के घर और निकलती है बंटी बबली के घर से। चलिए, सिलेंडर तो अभी तक यही पड़ा है, इसका मतलब आपका किचन अभी तक सेट नहीं हुआ। जी कोई बात नहीं, आज रात का खाना आप लोग हमारे घर खाइएगा। अरे नानी, आप तकलीफ क्यों? कोई बात नहीं। और हाँ प्रोफेसर साहब, आपके लिए मैं खास करेले का हलवा बनाऊंगी, मना मत करिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ मीठा भी बना लीजिएगा। जी चलिए। देखो अच्छे से, दिख रहा है कुछ? ए नीचे को देखो, ऊपर देखो। सॉरी शक्ति बेटा। ओफो, ये दादी भी ना। अच्छा तुम ना जम जैसा कुछ कर लेना, ठीक है? चलो। अरे बताओ, उतारो मुझे, नीचे उतारो। भगवान, प्यास चल रही है। सो सॉरी सरदार। क्या बात है भंवर? चप्पू चलाना है। चप्पू? ओह चप्पू, ये चप्पू बाद में चलाना। लो पहले ये करेला काटो, लो देर हो रही है। और तू क्या कर रही है, जल्दी जल्दी करना। भंवर, ये आदमी नहीं करेला है। अच्छा छोड़, स्टोर रूम में चप्पू रखा है, बाथ टब में पानी डाल और चप्पू चला ले, जा। चंबल में नदी पार करते हुए नाव पर चप्पू यही चलाया करता था। इतने साल हो गए हैं लेकिन इसकी आदत गई नहीं है। I know. सरदार खाकी, पुलिस। पुलिस? भंवर सिंह,
40 साल पहले सरेंडर होके सजा काटने के बाद बाहर आ चुके हैं, लेकिन सायरन की आवाज सुनने के बाद भागने की आदत गई नहीं है। चपत देना प्लीज, चपत चपत रुक। अरे स्टॉप इट, अरे दादी बोलो ना ऐसे कि मैं सायरन दे ही नहीं रहा। आई हेट बॉयज। लेकिन बेटा इस समय ये चोर पुलिस खेलने की क्या सोची है तुझे? हाँ हाँ। अरे दादी चोर पुलिस नहीं खेल रहे, नेक्स्ट वीक ना मेरे स्कूल में एक ड्रामा है और उसमें मैं पुलिस वाली बन रही हूँ, इसलिए मैंने ये वर्दी पहनी है, यू नो फीलिंग लाने के लिए। टूपो ये ले, सायरन तू रख। थैंक यू। एंड यू शपथ, तुझे क्या हम प्रिया मिली है सताने के लिए? तेरे खिलाफ मोर्चा निकालूंगी ना, तब समझ में आएगा। बहू मोर्चा बाद में निकालना, देख प्याज जल रही है। सॉरी, जाओ बाहर जाके खेलो। चल चलो जेल में डाल, चल जल्दी कर बेटा, बोलो चल। यस मैम। और भंवर तू जाकर देख कि त्रिपाठी जी यहाँ आने के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। शक्ति, सारा दिन स्केट्स पर यहाँ से वहाँ फिसलने के अलावा कुछ और काम है तुझे? हाँ ये नहीं कि तू दादी माँ के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी सीख ले, आगे तुझी को काम आएंगी। सिली गर्ल, लिसन, गौर से देखा जाए तो अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ अच्छा क्या बन रहा है? तेरे पसंद के करेले का हलवा। सॉल लेना, चलो सीखने जैसा भी कर लेते हैं आज। सुपर, चलो जल्दी से करेला। लड़कियों के सामने आत्मविश्वास कैसे बनाए रखे? इसी तरह पूरी मेहनत से पढ़ते रहो बेटा, देखना राघव एक दिन तुम जरूर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनोगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ना? हाँ हाँ वही सरला। चलने की तैयारी हो गई? जी बस हो ही रही है। आप बहुत अच्छी साड़ी लेकर आए हैं वैष्णो देवी के लिए, देखिएगा ये साड़ी उन्हें इतनी पसंद आएगी कि दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध का एक नया अध्याय आरंभ होगा। हमारे बीच रिश्ते तो पहले भी अच्छे रहे हैं, हालांकि उनमें डाकूपन अभी भी थोड़ा बाकी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। चलो मनन। दीदी, जीजा जी, दीदी, जीजा जी। क्या हुआ? आप लोग भगवान के लिए जो है सो कोई भी बहाना बना लीजिए, लेकिन वैष्णो देवी के वहां मत जाइए प्लीज। लेकिन क्यों? ये क्षतिग्रस्त मनुष्य कौन है? मैं समोसा की चटनी चाटते हुए जा रहा था और सामने से स्त्री वाला वो गुंडी शक्ति बहन के कपड़े स्त्री करके ला रहा था, स्त्री वाले का बैलेंस खो गया और वो साइकिल समेत मुझ पर आ गिरा और चटनी उस गुंडी शक्ति बहन के कपड़े में लग गया। तो देखिए ना, भंवर सिंह ने कपड़े धोने के बजाय मुझे कितना धोया। मैं आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा कि आप लोग नए हैं, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी बच के रहना। वैष्णो देवी से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए मैं ये मोहल्ला छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ और सुन, वो चंदा इकट्ठा करके अपना इलाज करा लेना। क्या जीजा जी समझ में आया? क्या जीजा जी आप भी इतना सब कुछ जानने सुनने के बाद भी आपका पेट जो है सो कुछ भरा भरा नहीं लग रहा आपको? हाँ भरा तो लग रहा है, थोड़ी बद हजमी भी लग रही है। हाँ अब भी जाता हूँ उधर, जो है सो वैष्णो देवी को बोलता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं। सुनो आते वक्त बाहर से भोजन भी ले आना, क्या है न,
ना कि हमने कुछ बनाया नहीं है घर में। वो दीदी तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जुगाड़ कर लूंगा जो है सो। चलिए हाँ, हम पीछे पीछे आते हैं। सरला अब तो चलना चाहिए, भूख भी लग गई है। चल बेटा मनन। आइए प्रोफेसर साहब, ये मेरी बहू देवयानी। नमस्ते प्रोफेसर साहब। और ये बेटा करमवीर। प्लीज 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 वेलकम। ये रेड कार्पेट, ये फ्लावर्स और लाइट, यही सब बिजनेस है मेरा। वैसे ये सब मिला के किसी क्लाइंट के लिए 50,000 से 51,000 का बिल होता, पर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। क्यों, क्या कहती हो? कहना कि आते ही आपने भी बिजनेस की बातें शुरू कर दी। अरे इनके स्वागत की बातें कीजिए ना। ये भी ठीक है। प्लीज वेलकम, आपका आप ही के घर में स्वागत है। प्लीज वेलकम, आपका आप ही के घर में स्वागत है। प्लीज प्लीज आइए, कम इन कम इन प्लीज। प्लीज सिट। सॉलिड हाँ, चलो तुम्हें चांद पे लेके चलते। चलोगे कि नहीं? चलो। पुत्री ये बालक बहुत ही शांत स्वभाव का है। रहने दीजिए सरला जी, बच्चों को आपस में घुलने मिलने दीजिए। That's right. क्या हुआ? लड़कियों के कमरे में झांकना नहीं चाहिए। लड़कियों के पर्स में नहीं झांकना चाहिए पड़ाकू, कमरे में झांक सकते हैं। और वैसे भी मैं ना यहाँ पे तुम्हें ताकने झांकने के लिए लेकर आई। बैठो चुपचाप से। मैं फिर से बालकनी से नहीं कूदूंगा। कूदने के लिए कौन बोल रहा है? हवा के लिए खोला है मैंने। पकड़ो, अब तुम इन किताबों में से मेरे लिए एग्जाम के लिए नोट जैसा कुछ बना के दो। चलो बाकी सब तो भवर मामा संभाल ले। जी पर हम तो यहाँ खाना खाने। उसकी टेंशन मत करो, खाना मैं तुम्हारे यहाँ पर लेकर आ दूँ। के बाद तुम पेट दर्द का बहाना कर, फिर तुम्हारे लिए ये लोग डॉक्टर जैसे कुछ बुलाएंगे, फिर वो तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे। उसके बाद तुम पूरी रात जाग के मेरे लिए नोट जैसा कुछ बना देना। क्यों,
कैसा रहा मेरा आइडिया? जबरदस्त है ना? बोलो, बोलते क्यों नहीं? पापा, आपने हमारे घर के बारे में जो जो चीजें जैसी जैसी बताई थी, या तो सबकी सब वैसी की वैसी है। जीजा जी, आज भंवर सिंह से बंदूक उधार लेकर मुझे गोली मारेंगे या मुझे झूमर से लटकाएंगे? आज तो मैं गया। हृदयनाथ, हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। ये फर्श, ये सीढ़ियाँ, ये झूमर बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा कि आप बताया करते थे। बिल्कुल सरला जी, प्रोफेसर साहब की याददाश्त जो इतनी अच्छी है, और फिर बचपन में प्रोफेसर साहब ने यहाँ पर 4 साल गुजारे हैं, तो फिर इस घर की एक एक चीज तो याद होगी ना। सरला, मैं ना कहता था यही है हमारा अपना घर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि एसपी साहब जैसे नेक दिल इंसान की नियत और फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पिताजी द्वारा दिया हुआ ये घर अपना समझकर हमसे हमारा हक मत छीनिए। हमें हमारा घर कब मिलेगा? शाम को। शाम को? जिस दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी, उस शाम ये घर आपको मिल जाएगा। मैं भी देखता हूँ आप हमारा घर कैसे खाली नहीं करती।